विजर्ड्स ऑन गेमिंग और यहाँ पे आज मैं खेलने वाला हूँ माइनक्राफ्ट जावा एडिशन सिंगल प्लेयर। और तो इस ये आप देख सकते हैं माइनक्राफ्ट ही है और मैंने माइनक्राफ्ट खोला हुआ है। अब मैं सिंगल प्लेयर पे टैप कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक नया वर्ल्ड बनाता हूँ। वर्ल्ड का नाम क्या रखें विजर्ड्स ऑन गेमिंग रखते हैं, अपने चैनल का ही नाम रखते हैं विजर्ड्स ऑन गेमिंग। मैंने यहाँ पर अपने चैनल नहीं वर्ल्ड का नाम रख दिया विजर्ड्स ऑन गेमिंग। अब हम अपना वर्ल्ड बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपना वर्ल्ड बना दिया और अब इसको देखते हैं, टाइम लगेगा। ओ मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो है तो मैं इसमें इसको थोड़ा टाइम लगेगा, मैं इसको पॉज कर देता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ जब ये स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप अभी यहाँ पर 59% हो चुका है और अब शायद ये अच्छे से चल जाएगा। थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, अब इसको 6-7 सेकंड लगेंगे और ये मैं अपने वर्ल्ड में एंटर हो जाऊँगा। तो चलिए देखते हैं कि इसको कितना टाइम लगता है। ये 85% हो चुका है और अब ये थोड़ी देर में 100 भी हो जाएगा। 93 हो चुका है, अब ये थोड़ी देर में 100 हो जाएगा। 100 हो गया, चलिए अब जॉइनिंग वर्ल्ड होगा। मेरे हिसाब से जॉइनिंग वर्ल्ड होना चाहिए, यहाँ पर जॉइनिंग वर्ल्ड होगा। हाँ जॉइनिंग वर्ल्ड हो रहा है और अब मैं अपने वर्ल्ड में पहुँच जाऊँगा। ये बैक टू गेम से क्यों स्टार्ट हुआ, कोई बात नहीं, हम लोग बैक टू गेम चलते हैं। और अब मैं अपने वर्ल्ड को थोड़ा सा लोड होने देता हूँ। ये लोड होने वाला है मेरा वर्ल्ड, तो यहाँ पे मेरा वर्ल्ड लोड हो चुका है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, चलो आगे चलते हैं। ओ अभी थोड़ा सा और लोड होने देते हैं, अब हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा लैग होगा स्टार्टिंग में क्योंकि अभी वर्ल्ड लोड हो रहा है, तो यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत आपको लैगिंग दिखेगी क्योंकि कंप्यूटर जो है वो थोड़ा सा स्लो है। तो ये मैं यहाँ पर अभी पंच वुड कर रहा हूँ। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा, मुझे नहीं पता कि आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं। ये आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। मैं यहाँ पर अब वुड पंच कर रहा हूँ जिससे कि मैं प्लैंक्स और क्राफ्टिंग टेबल और थोड़े बहुत टूल्स बनाऊँगा। और प्लीज़ हमें शीप मिल जाए ताकि हम लोग रात को सो पाएँ। देखते हैं हमें शीप मिलती है कि नहीं। अब इतने वुड मैं ले पाया हूँ, 6 वुड मैंने ले लिए। अब चलते हैं शीप वीप ढूंढते हैं। ओ इससे तो प्लैंक्स भी बना देते हैं ना, जिससे क्राफ्टिंग टेबल बनेगा। चलिए अब हम लोग प्लैंक्स बना लेते हैं। प्लैंक्स बनाएं, हाँ हम प्लैंक्स बना लेते हैं। अब क्योंकि थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ, अब प्लैंक्स बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर। यहाँ पे मैं प्लैंक्स बना रहा हूँ, जितने प्लैंक्स मिलेंगे मैं सारे ले लूँगा क्योंकि इस वुड का कोई काम नहीं होता है, ज़्यादातर प्लैंक्स का ही काम होता है, प्लैंक्स ही सब कुछ होता है। तो मैंने यहाँ पर प्लैंक्स बना लिया है और मेरा प्लैंक्स अच्छा चल रहा है। मैं इसको प्लैंक्स को यहाँ पर रख लेता हूँ और अब इससे स्टिक्स बनाते हैं। नहीं, पहले क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं, क्राफ्टिंग टेबल में फिर जाके स्टिक्स बना लेंगे। पहले मैं यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं ऐसे करके क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक और ब्लॉक यहाँ पे मैंने रख लिया है। अब मैं इसमें से क्राफ्टिंग टेबल एक ले लेता हूँ और अब मैं इन प्लैंक्स को अपने साथ रख लेता हूँ। यहाँ पे मैं इन प्लैंक्स को अपने साथ रखूँगा। ये एक साथ क्यों नहीं हो रहे, चलो छोड़ो, इसको हम लोग वैसे ही रख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको रख रहा हूँ, ऐसे मैं इसको रख लेता हूँ। तो ये अब मैं इसको अपनी इन्वेंट्री में डाल लेता हूँ। ये 10 क्यों छूट गए वहाँ पर, अरे मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे, आ गए। चलिए अब हम लोग अपने क्राफ्टिंग टेबल पर कुछ टूल्स बनाते हैं, जैसे कि एक्स बनाएंगे हम लोग। और एक एक्स शायद मेरे हिसाब से काफ़ी होगा क्योंकि अभी हम लोग माइनिंग पर नहीं जाएंगे और सॉर्ट की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक्स ही हम लोग ज़ॉम्बीज़ को मार सकते हैं और शीप को भी मार सकते हैं। और मेरी अभी थोड़ी सी हेल्थ बच गई थी लेकिन फूड की वजह से मैं ज़िंदा हूँ। तो अब चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, हमें शीप मिलेगी तो देखते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स हैं, एक बी हाइव भी था आपने देखा होगा, तो उसको छोड़ के हम लोग आगे चलते हैं। और यहाँ पर चिकन्स भी हैं बहुत सारे, लेकिन अभी मेरे को भूख नहीं लगी है तो मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा। अभी मैं चिकन विकन नहीं मारूंगा। और मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चिकन और मटन ही खाऊंगा, मतलब चिकन और लैम यानी कि शीप खाऊंगा बस मैं इसमें माइनक्राफ्ट में। ओ यहाँ पे शीप्स है, मैं इसको मार लेता हूँ, इससे मैं इससे बेड बना सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे 3 शीप्स होनी चाहिए, उसके बिना मैं नहीं बना पाऊँगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे
टू शीप्स तो हैं और उसका एक बच्चा भी है वहाँ पे, तो वो मेरे हिसाब से उससे भी मेरे को एक वो मिल ही जाएगा। ये ऐसा भी हो सकता है वो मेरी आँख के सामने बड़ा हो जाए, वो ये बहुत रेयर चांस होता है इसका कि वो हमारी आँख के सामने बड़ा हो जाए। देखिए उसके उसके पास एक बच्चा भी है तो उसे भी हम लोग मार देंगे, उसका शायद वो हमें वूल मिल जाए। तो अब मैं यहाँ पर इसको भी मार देता हूँ। ये थोड़ा मारना मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं और मेरे पास अभी सॉर्ड या एक्स नहीं है जिससे मैं इसको मार सकूं, और सॉर्ड या एक्स बनाने में बहुत टाइम जाएगा इसलिए मैं अभी नहीं बना रहा हूँ। हम लोग एनिमल्स को मारते हैं और मैं पिग यानी कि पोक को नहीं खाऊँगा क्योंकि मैंने आपको कहा है कि मैं सिर्फ मटन या चिकन ही खाऊँगा और वेजिटेबल्स खाऊँगा बस। और मैं इसको मार लेता हूँ यहाँ पर, मैंने इसको मार लिया है। आई होप योर आप सब लोग अभी देख रहे होंगे इसको, अभी तक आप देख रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। और ये हमारी पहली वीडियो है, आपको बता दूं मैं, ये हमारी पहली वीडियो है इस चैनल पर यानी कि विजर्ड्स रॉन गेमिंग पर हमारी ये पहली वीडियो है। तो यहाँ पर मैं अभी इस छोटे बच्चे को मार के देखता हूँ, इससे हमें वूल मिलेगा क्या, देखें। अरे ये इसको लग क्यों नहीं रहा, कहाँ गया वो रहा। चलो इसे भी मार के देख लेते हैं। और नीचे, ओ ये तो हमारी आँख के सामने बड़ा हो गया, वाह ये तो हमारी आँख के सामने बड़ा हो गया। कहाँ गया वो, कहाँ है, कहाँ है, ओ कहाँ है, ये मर क्यों नहीं रहा। हाँ मर गया, हमें 3 वुल्फ मिल चुके हैं। अब मैं जाके अपना बेड बना लेता हूँ। अब मैं अपना बेड बनाऊंगा यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल से, मैं अपना बेड बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे 3 यहाँ पे रखने होंगे प्लैंक्स, मेरे हिसाब से मुझे 3 प्लैंक्स यहाँ पे रखने होंगे और 3 वूल ऊपर रखना होगा जिससे हमारा बेड बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं 3 वूल ले लेता हूँ और बेड यहाँ पे मैं अपना बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ अपना बेड, और ये मैंने अपना बेड बना लिया। अब इसको मैं अपनी इन्वेंट्री में रख लेता हूँ, रात को ये काम आएगा, नहीं तो हमें ज़ॉम्बीज़ के यहाँ तो मरना पड़ेगा। ये क्या हो गया, चलो आगे। चलो अब यहाँ पे मैं अपना एक्स बना लेता हूँ। स्टिक्स पहले बनानी पड़ेगी हमें, अब मैंने स्टिक्स बना लिए। अब मैं एक एक्स बनाऊँगा जिससे हम जानवरों को भी मार पाएंगे और हमें उससे एक और फ़ायदा होगा कि हम अपने वुड भी काट पाएंगे और क्राफ्टिंग टेबल जो हमने अभी बनाया है उसको भी काट पाएंगे। तो ये एक स्टिक्स क्यों फैल गई ऐसे, तो अब मैं यहाँ पे 2 स्टिक्स रख लेता हूँ ऐसे, और यहाँ पे मुझे एक ट्रायंगल ऐसे बनाना होगा, ट्रायंगल जैसा। वो कॉर्नर की 3 जगहों पे मेरे को वुड रखनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे ऐसे रख लेता हूँ, मैंने यहाँ पे रख लिया है। और अब मैं यहाँ पे अपना वुडन एक्स बना लिया है मैंने, तो यहाँ पे मैंने अपना एक्स बना लिया है। अब एक्स से मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ लेता हूँ। तो मैंने एक्स अपने क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ लिया है और अब मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं। कोई विलेज मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे घर भी रहेगा तो उसके अंदर हम लोग सो सकते हैं, नहीं तो हमें बाहर सोना पड़ेगा। कोई बात नहीं, देखते हैं मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या फ़र्क क्या पड़ता है, मिलेगा मिलेगा। और मैं चिकन खाऊंगा, मटन खाऊंगा और फिश खाऊंगा, बस यही 3 चीज़ें खाऊंगा। और ये मेरी पहली वीडियो, तो शायद मेरे को अपनी पहली वीडियो में ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कह देता हूँ कि हम लोग 100 सब्सक्राइबर्स पे मेरा फेस रिवील हो जाएगा। अभी आपको मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं 100 सब्सक्राइबर पे अपना फेस रिवील कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कुछ मिलता है क्या। यहाँ पे भी भेड़े हैं लेकिन मेरे पास एक बेड है तो मेरे को ज़रूरत नहीं है इन्हें मारने की, बेचारों को क्यों मारना है ना। तो अब मैं आगे जाता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो ना बनाऊँ ताकि आप लोग भी बोर ना हो। यहाँ पे इतना खाली एरिया है, एक विलेज तो होनी चाहिए थी, इन छोड़ो नहीं मिल रही है, तो देखते हैं मिल जाएगी तो मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। मैंने पहले भी आपको बोला मिलेगी मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। तो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कुछ मिलता है क्या। मेरे पास खाने के लिए तो है, 5 मटन है,
एक और शीप है, इसको भी मार ही देते हैं, कुछ करने को नहीं मिल रहा। ओ वहाँ पे दो और शीप है, मैं एक और बेड बना सकता हूँ। इनको भी मार दिया जाए, छोटे बच्चे को हमने मार दिया है, और अब मैं इन बड़े बच्चों को मार देता हूँ। बड़े बच्चे भी अभी मर जाएंगे। बड़े बच्चों को मैं मार देता हूँ। बड़े बच्चों मर जाओ, बड़े बच्चों। एक बड़ा बच्चा मर गया, अभी हमें दूसरे बड़े बच्चे को मारना है। दूसरे बड़े बच्चे को हम लोग मार लेते हैं, दूसरा बड़ा बच्चा भी मर जाएगा अभी। तो हम दूसरे बड़े बच्चे को, ये पहाड़ पे की चढ़ रहा है बड़ा बच्चा, हमने दूसरे बड़े बच्चे को भी मार लिया। इसका वूल ले लेते हैं और खाना ले लेते हैं। अभी हमारे पास नाइन फ्लैश हो चुका है शीप का। अब हमें ये क्या चीज़ है, इसको ज़रा मार के देखें, इससे क्या मिलेगा हमें, इसका कैसा मटन मीट होगा। वैसे हम लोग उस मीट को खाएंगे नहीं, क्योंकि मैंने आपको बोला है। अरे इसके चक्कर में मैं ना मर जाऊँ। चलो इसको छोड़ो, अब थोड़ा सा गाय को मार के देखते हैं। गाय को, ओ मैं भूल गया था, गाय को मुझे नहीं मारना है। चलो गाय को नहीं मारना था मेरे को, बिकॉज आई एम अ हिंदू एंड हिंदूज डोंट ईट काउस। तो अब मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरे को कोई विलेज मिलती है तो मैं उसके अंदर जाऊँगा और रात वहीं पे बिताऊँगा। अभी शाम होने वाली है, यहाँ पे और शीप्स हैं लेकिन इन्हें मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। चिकन है, चिकन खाते हैं, चिकन मिलेगा इससे। चिकन चिकन कहाँ जा रहा है, वैसे तो ये हैन है लेकिन जब इसका फ्लैश होता है तो उसको चिकन बोलते हैं, तो इसको मैं चिकन ही बोलूँगा। चिकन हमें मिल चुका है और अब रात होने वाली है, लेकिन अभी हम बेड लगा के नहीं सो सकते। रात को मैं बस बच जाऊँ, मेरे को किसी पहाड़ पे जाके, नहीं ज़मीन पे भी तो ठीक ही रहेगा। अभी बहुत जल्दी ही रात हो जाएगी और देखते हैं कितनी देर में रात होती है यहाँ पे। थोड़ी देर में रात हो जाएगी और मेरी जो वीडियोस होंगी, मैं दिन को काम करूँगा, रात को सो के फिर वीडियो एंड कर दूँगा, इसीलिए ऐसा करूँगा मैं। यहाँ पे मैं बेड तो बना हुआ है, क्या बना है, शॉर्ट बना लेते हैं, रात को ज़ॉम्बीज से काम आएगा। शॉर्ट बना लेते हैं एक, यहाँ पे मैं एक शॉर्ट बना लेता हूँ। शॉर्ट मैंने बना ली है, अब ये रात को ज़ॉम्बीज से काम आएगा, क्योंकि मेरी एक्स भी कम हेल्थ की है। एक्स मेरे को ख़त्म हो जाएगी मेरी एक्स थोड़ी देर में, इसलिए मैंने एक वुडन शॉर्ट बना ली है। हम लोग अगली वीडियो में माइनिंग करने जाएंगे, कोल वोल लेके आएंगे, टॉर्चेस बनाएंगे, घर बनाएंगे। अगली वीडियो में शायद घर ना बना पाएं, लेकिन हाँ बना लेंगे घर, दूसरी तीसरी वीडियो में घर बना लेंगे हम लोग। तो रात हो गई तो आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे बेड लगा के सो जाता हूँ। ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ें आ रही है, मॉन्स्टर्स नियर बाय, मैं मर ना जाऊँ, मेरा बेड भी वहीं पे छुटा हुआ है, मैं मर ना जाऊँ, मैं मरूँ ना, प्लीज़ प्लीज़ मैं मरूँ ना। अरे यार ये क्या हो रहा है, मैं सो नहीं सकता। मैंने लेकिन अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लिया, तो मैं रिस्पॉन यहीं पे होऊंगा। तो मेरा सारा सामान जा चुका है, लेकिन मैं अपना धीरे धीरे करके मैं अपना सामान गेन कर रहा हूँ, मेरे को मिल रहा है अपना सामान। शॉर्ट मिल चुकी है, शॉर्ट निकालो जल्दी, शॉर्ट निकालो, शॉर्ट क्यों नहीं आ रही। एक और बार मर गया मैं, अब स्केलेटन मत आ जाइए और क्रीपर तो बिल्कुल मत आइयो, क्रीपर बिल्कुल मत आइयो, क्योंकि क्रीपर बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, मेरे फूट जाता है तो बहुत ख़राब होता है क्रीपर। बाकी सब ठीक है लेकिन हाँ क्रीपर मत आइयो। मैंने इसका पीसफुली पर सेट भी नहीं किया था, अंडरग्राउंड जाऊँ। अरे यार ये लोग पीछे तो मार रहे, पानी के अंदर तो नहीं आएंगे, और पानी के अंदर क्रीपर था। अरे यार क्रीपर आ गया। वैसे मैं अपना नाम बता दूँ, मेरा नाम जसू है, लेकिन यहाँ पर स्केलेटन हो, स्केलेटन है वहाँ पे, भागो भागो। अरे पानी में क्रीपर है, क्रीपर प्लीज प्लीज क्रीपर प्लीज मत फूटी, मेरे को अपना सामान ले दे। ओ क्रीपर फूट गया, क्रीपर से मैं मर गया। कोई नहीं कोई नहीं, तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे बाद में। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। जय हिंद जय भारत।